राजस्थान की सियासत में इन दिनों अंदर खां ने बहुत कुछ पकड़ा है। जहां कांग्रेस 35 दिन के सियासी उठा पटक के बाद अपने अंदरूनी कलह को सुलझाने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी अब ऑपरेशन कमल फेल होने के बाद सूबे के सियासतदानों की लापरवाही और असहयोग को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय कमेटी में जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक बार फिर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में भी अब सियासी भविष्य के गर्भ को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में राजस्थान के नेताओं को तवज्जो देने की तैयारी है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नड्डा की टीम में राजस्थान से किसको जगह मिलेगी, क्योंकि इसकी दौड़ में सूबे के सांसदों, विधायकों से लेकर पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के नई कार्यकारिणी की दौड़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि नड्डा की टीम से साफ हो जाएगा कि सूबे की सियासत में केंद्रीय नेतृत्व किसे तवज्जो देता है और किसे किनारे लगाता है, क्योंकि पिछले दिनों हुए सियासी संकट के दौरान जहां शेखावत फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे, वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी शेखावत का साथ दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राजे ने खामोशी साध रखी थी। लेकिन सूबे में राजे के एक बार फिर सक्रिय होने के बाद शेखावत ने एक बार फिर केंद्र का रुख कर लिया। ऐसे में अब नड्डा की टीम से साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा दिखाती है। क्या एक बार फिर संगठन राजे पर भरोसा दिखाता है या संगठन शेखावत पर दाव चलता है, बहरहाल इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।